भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट गेंदबाज अजित आगरकर आज यानी 4 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1977 को मुंबई में जन्मे इस दयाहत के गेंदबाज जो मुकाम हासिल किया वह तक पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। आगरकर ने सिर्फ गेंदबाजी का नहीं बल्कि बल्लेबाजी भी कमाल करते हुए अभी तक उनके नाम बल्लेबाजी से ऐसा रिकॉर्ड है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज भी नहीं तोड़ पाए। क्या है वो रिकॉर्ड? आगरकर के नाम अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 18 साल पहले यह रिकॉर्ड कायम किया था जो आज तक नहीं टूटा। आगरकर ने 14 दिसंबर 2000 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 25 गेंदों में 67 रन की पारी की थी जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए 21 गेंदों का सहारा लिया जो भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक रहा। आगरकर ने कपिल देव ने 1983 में 22 गेंदों पर 75 रन बनाए थे। खैर मौजूदा समय में भारतीय टीम में कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज है लेकिन वह आगरकर का यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। ये रिकॉर्ड भी है इनके नाम। वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी आगरकर के नाम है। उन्होंने यह कारनामा 23 मैचों में 50 विकेट लेकर किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज डेनियल लिली का रिकॉर्ड का तोड़ा था। हालांकि बाद में श्रीलंका के स्पिनर अजंता मेंडिस ने 19 मैचों में 50 विकेट लेकर आगरकर का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा वनडे में सबसे ज्यादा एक पारी में पारी के 4 विकेट लेने के मामले में भारतीय गेंदबाज पहले नंबर पे। उन्होंने 191 मैचों में 12 बार 4 विकेट लेकर कारनामा किया है। साथ ही आगरकर का नाम सबसे कम वनडे में 200 विकेट और 1000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड है। PM News 24 की रिपोर्ट।